नमस्कार दोस्तों, HDFC बैंक का चार्ट खोले हैं अपन ने। तो HDFC बैंक में जो मैंने कल बताया था, ये ट्रेंड अपसाइड में जाने के लिए, और इसके नीचे एक सपोर्ट भी लगाया हुआ था ये वाला। उसके बाद एक और सपोर्ट लगाया हुआ था मैंने HDFC में, लेकिन ये दोनों सपोर्ट को तोड़ते हुए आज मार्केट अच्छा खासा डाउन साइड आ गया। और जो डाउन साइड जो HDFC बैंक आया है 50 पॉइंट के हरियाणा में, ये तो मार्केट को गिरा दिया कहा जाए तो। और HDFC बैंक इसलिए, निफ्टी भी, बैंक निफ्टी भी, फिर निफ्टी भी, सभी आज अच्छे खासे डाउन में थे। अगर HDFC बैंक में कल के लिए देखेंगे तो HDFC बैंक में सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ कल के लिए। कल के लिए मैं सबसे मेन चीज़ ये बता देता हूँ कि एक बार रिलायंस को देखेंगे, अगर रिलायंस को देखेंगे आप तो मैंने कल बहुत अच्छी चीज़ बताई हुई थी आपको, ये देख सकते हैं। कल का ही लेवल वगैरह सब कुछ लगा हुआ है रिलायंस को। रिलायंस को मैंने ये बोला था 1 आवर के टाइम फ्रेम लगा लेते हैं इसको लाइन्स में। ये सब काट पीट देते हैं थोड़ा सा। रिलायंस में मैंने बहुत अच्छी चीज़ बताई थी, और अभी और एक बार और बता देता हूँ कल के लिए, बहुत अच्छे काम आने वाली है ये चीज़। और उसके साथ साथ काम तो आएगी भी, एक बहुत अच्छे सीखने वाली चीज़ है यहाँ पे। मैंने एक बहुत अच्छा यहाँ पे एक पैटर्न बनाया था, और ये पैटर्न बना हुआ था, और ये आज कल इस चीज़ के बारे में मैंने बोला भी था कि ये पैटर्न सक्सेसफुल अगर हो गया तो ये अच्छा खासा डाउन आ जाएगा। रिलायंस डाउन आएगा तो उसके साथ रिलायंस के साथ निफ्टी भी आ जाएगी डाउन। ये कपन, ये कप बन गया, और ये इसका हैंडल, ये कपन हैंडल पैटर्न। मैंने इस आपको बताया भी था कि ये अगर इस टाइप से आता है ऐसा रीटेस्ट मारते हुए, ये अच्छा रहेगा। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो अच्छा खासा रीटेस्ट मारते हुए ही आया है ये अच्छा खासा डाउन। और ये मैंने आज का टारगेट भी दिया था, इसी लेवल को टारगेट दिया था जो ये लगी हुई है ये वाली 2656 का, ये टारगेट दिया था, ठीक है। और ये आज ये टारगेट को अच्छा खासा हिट भी कर दिया है। तो अगर कोई लेवल को फॉलो करता है, और थोड़ा सा अगर इनको कंपोनेंट को देखते हुए मार्केट में ट्रेड लेता है, तो वो बहुत ज़्यादा पॉइंट कैप्चर कर सकता है। और देख सकते हैं आज इसी ट्रेंड लाइन को, इसी ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन लेके रिलायंस अच्छा खासा डाउन आया हुआ है। इस ट्रेंड लाइन को अपसाइड में गया ही नहीं, तो मैंने ये भी बोला था कि जब तक ये ट्रेंड लाइन को ना तोड़े तब तक अपसाइड नहीं जाना। और देखेंगे, और ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ा है आज मार्केट ने, रिलायंस ने मतलब, और ये अपसाइड नहीं गया। उसके बाद जिस ये पोजिशन लगी हुई थी, मतलब सपोर्ट लगा हुआ था, ये सपोर्ट को मार्केट ने तोड़ के और अच्छा खासा डाउन आया। और डाउन आके ये नीचे जो एक मैंने लेवल दिया था, इस लेवल तक आएगा, पहला टारगेट दिया था, तो उस टारगेट को के डाउन आके अगर देखेंगे रिलायंस, देखो एक बार मैं बता दे रहा हूँ कल के लिए बता देता हूँ उसमें। ये मार्केट आज इस टाइप से इस प्रकार से आया था, ये आया, थोड़ा सा सपोर्ट लिया यहाँ से, फिर अप साइड में गया, फिर उसके बाद अच्छा खासा डाउन आ गया। और ये जो मैंने टारगेट दिया था, इस टारगेट को हिट करके थोड़ा सा डाउन आया, उसके बाद में ये फिर से रीटेस्ट मार के, ये कहा जाए तो ये इस प्रकार से, ये कल के लिए और अच्छी खासी शूटिंग स्टार कैंडल बनाया हुआ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ये इस टाइप से आ सकता है, ठीक है। ये टारगेट भी हिट कर सकता है, और इसको हिट नहीं करता, ये डाउन पैटर्न सक्सेसफुल हो जाता है
तो ये अप साइड चला जाएगा, ठीक है, रिलायंस में। और HDFC बैंक में देखेंगे तो HDFC बैंक में क्या हुआ है, HDFC बैंक में कल मैंने बताया था ये स्टैंड लाइन को निकालेगा, तो अप साइड में जाना नहीं तो नहीं जाना अप साइड में। और ध्यान देंगे स्टैंड लाइन को आज निकाला ही नहीं मार्केट ने, मतलब HDFC बैंक ने, तो अप साइड जाने कोई बात ही नहीं थी। अगर कोई लेवल को फॉलो करता है तो अच्छा खासा प्रॉफिट बनाता है डेली, ध्यान रहे। और HDFC बैंक में अगर कल के लिए लेवल देखेंगे तो पहला रेजिस्टेंस जो रहेगा HDFC बैंक में, ये रेजिस्टेंस रहेगा, ये मेजर रेजिस्टेंस, अच्छा खासा रेजिस्टेंस है कहा जाए तो, यह रेजिस्टेंस रहेगा 1445 का। और सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 1470 का। अगर सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट तो यही बन रहा है, कौन सा, पहला सपोर्ट तो यही बन रहा है 1424-25 का, ध्यान रखना कल के लिए 1424-25 का जो सपोर्ट है, अगर HDFC बैंक इसको तोड़ता है कल डाउन साइड में तो देख लेते हैं कि इसके बाद कहाँ जाता है HDFC बैंक। अगर देखेंगे कल के लिए HDFC बैंक में लेवल, तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा दूर पहुँच गया है ये HDFC बैंक है भाई, HDFC बैंक का चार्ट देख सकते हो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, अरे बाप रे, ये 1400 का लेवल तो तोड़ा ही नहीं था कई सालों से लगता है, तो इसको ढूंढना पड़ेगा कितने पीछे है। ये चौदह सौ का लेवल तो तोड़ा ही नहीं था भाई, बहुत टाइम से नहीं तोड़ा था, देखेंगे। लेकिन आज HDFC बैंक ने जो काम किया है लाजवाब था। चलो इसका तो कोई चार्ट इसके आगे मिल नहीं रहा है, ठीक है, तो यहीं से देख लेते हैं कि अगर HDFC बैंक 1425 के टारगेट को, मतलब डाउन साइड में तोड़ता है 1425 को, तो ये अच्छा खासा फिर से डाउन आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए HDFC बैंक का नीचे का सपोर्ट मैं कल लाइव में बता दूंगा, और साथ में कम्युनिटी पोस्ट जो डालता हूँ उसमें भी बता दूँगा, और व्हाट्सअप चैनल है उसमें भी, टेलीग्राम चैनल है, सभी में डाल दूँगा मैं, तो ध्यान रखना कि सभी चीज़ में सभी लोग जुड़ जाए, व्हाट्सअप इंस्टा सभी के चैनल बने हुए हैं उसमें जुड़ के, और इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।